हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछते हैं, तो मैं कुछ प्रश्नों को ली हूँ जिससे मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था ये, और हमेशा आप लोग अपने डाउट्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो उसमें से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो आज मैं ये वीडियो प्रश्न पर ही बना रही हूँ, और भी कुछ है मोटिवेशन जो मैं आप लोगों को देती हूँ, कुछ अपना सुझाव देती हूँ, वो तो रहेगा ही। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन ये था कि एक मेरी बहन ने बहुत, वैसे उसके कमेंट्स ऐसा मुझे लग रहा था ना कि वो बहुत परेशान है, कई सारे कमेंट उसके आए थे। तो वैसे तो परेशान सभी लोग हैं, जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते हैं सभी लोग परेशान हैं। तो उसका कमेंट बार बार यही था कि दीदी मैं आप मतलब वही बुक पढ़ रही हूँ जो आप पढ़ी थी, और क्या मैं निकाल पाऊंगी, पहले ही अटेम्प्ट में क्या मेरा निकल पाएगा। रामचंद्र शुक्ल की बुक मैं पढ़ रही हूँ, स्वस्ति पांडे की बुक मैं पढ़ रही हूँ, क्या इसको पढ़ के मैं निकाल पाऊंगी, आप जो पढ़ रही हैं मैं वही पढ़ रही हूँ, क्या मैं निकाल पाऊंगी, कई बार ये क्वेश्चन था। तो देखिए ये जो है ना कि मैं यही चीज कर रही हूँ जो आप की थी, क्या मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वही किताब जो जिस मेरी फ्रेंड ने मुझे ये किताब बताया था, ये सरस्वती पांडे और ये रामचंद्र शुक्ल की बुक बताई थी, और तो उनका नहीं निकला, कुछ नंबरों से ही उनका रह गया था, लेकिन वहीं पर मेरा निकल गया। तो बात ये है ना कि किताब वही रहती है, बस उसको पढ़ने का तरीका, आप कितना मेहनत से उसको पढ़ते हैं, कितने अच्छे से तरीके से तैयार करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रामचंद्र शुक्ल की बुक मतलब एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप जानते हैं, प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, इसको हमें पढ़ना ही चाहिए। हालांकि कहा जाए तो आप लोग भी पढ़े होंगे, देखते होंगे सरस्वती पांडे की किताब में उसी का सार जो कहा जाता है ना कि है उसमें, वन लाइन मतलब एक लाइन के रूप में उसमें दिया हुआ है। अब सरस्वती पांडे की बुक को एक एक पेज को अच्छे से तैयार करना ये आपका काम है, ये हेल्पिंग बुक है। सरस्वती पांडे की बुक आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके साथ आपको और भी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप लोग देखे होंगे 2021 में परीक्षा का पैटर्न बदला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है, कोई आपके टीचर अभी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये किताब भी साथ में पढ़ना चाहिए, जैसे बच्चन सिंह का हुआ था ना कि उस टाइम में उनकी किताब से आ रहा है, और भी बहुत सारे लोगों की किताब को आप लोग देख रहे होंगे, सजेस्ट कर रहे होंगे, तो बहुत सारी तो नहीं, लेकिन आपको साथ में एक दो राइटर की बुक आपको पढ़नी चाहिए, साथ में नोट्स, आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, और ये सरस्वती पांडे की बुक एकदम मतलब लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सहायक हो सकती है। अगर आप इतना अच्छे से कर लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, टीजीडी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भैया ये कि जितना भी है उसको अगर हम अच्छे से तैयार करें, तो अगर आप किसी की बुक जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक अच्छे से अगर पढ़ते हैं, या बच्चन सिंह जी की है, या और भी किसी की, हजारे प्रसाद द्विवेदी की है, या नागेंद्र की बुक है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बीच बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अगर प्रश्न कहीं से आते हैं और आपने प्रश्न कहीं नहीं देखे हैं, तो आपका इतना अनुभव हो जाता है ना कि आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाते हैं। जैसे मेरा ही था, तो मैंने यही दो किताबें, मतलब रामचंद्र शुक्ल की बुक थी और सरस्वती पांडे की बुक थी, नोट्स थे मेरे, आप लोग तो जानते हैं कि बहुत सीमित सी किताबें थी साहित्य को लेके, वैसे तो व्याकरण में वासुदेव नंदन की किताब थी, और मैं सबसे बड़ी बात मैं टेस्ट देती थी रोज टेलीग्राम पे, और क्या कहते हैं कि मैंने परचेस भी किया था, ये जो मॉक टेस्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी मैंने किया था, तो लेकिन किताबें तो सीमित ही थी, लेकिन इसी को मैंने बहुत अच्छे से किया था। अब इसी से मेरा निकल गया, वहाँ भी प्रश्न मुझे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न मुझे दिखे थे जो बहुत नए नए प्रश्न थे, लेकिन एक बेस जब आपका बन जाता है ना, तो आपका अनुभव वहाँ पे काम करने लगता है। और सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या है, प्रदर्शन की बात होती है वही एग्जाम हॉल में जो एक घंटे का आप देते हैं, साल भर आप पढ़ते रहिए, अगर वहाँ पे आप हड़बड़ा गए, घबरा गए, नहीं कर पाए, तो सारा बेकार हो जाता है। तो आप धैर्य के साथ पहली बार तो जितनी भी किताबें अच्छे से पढ़िए, लेकिन हाँ इसके साथ साथ और भी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और ये था एक और क्वेश्चन था कि पेपर को 3-4 महीने हैं तो प्रिपरेशन किस तरह का होना चाहिए, कितने पेजेस पढ़ने चाहिए और जिससे सब कुछ याद रहे। तो देखिए अगर मैं आपकी जगह रहती, तो अगर 3-4 महीने अगर मुझे पता है कि 3-4 महीने अगर मेरे पेपर रह गए हैं, तो सबसे पहली बात है कि मेरा तो बहुत पहले ही सिलेबस ख़त्म हो जाता है ना, और अगर नहीं भी हुआ है, जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कम से कम 3-4 बार और रिवाइज कर लूँ पूरे सिलेबस को, डिवीज़न से ही होगा। और उसमें से फिर सबसे बड़ी बात है टेस्ट लगाना, आपको टेस्ट ज़रूर देना है। कितने पेज पढ़ेंगे, तो पेज का मैं पन्ना देखती थी है ना, 5-6 पन्ना, पन्ना में समझिए 2 पेज हो जाता है, तो समझिए 10-12 पेज, मतलब एक दिन का मैं टारगेट रखती थी अपनी किताब से कि मैं उतना मुझे अच्छे से रिवीजन करना है, मैं रिवीजन पे आ जाती थी 4 महीने पहले। तो इस तरह से मतलब 10 पेज आप मान के चलिए कि इससे कम आप क्या रिवीजन करेंगे, आप बुक आप कोशिश करनी है कि 3-4 महीने में कई बार आप रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ सकें, तो ये चीज़ होना चाहिए। सब कुछ याद रहने का बस यही एक तरीका है कि आप रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, जब क्वेश्चन आप देते रहेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में याद रहेंगी, और हर दिन का जो टेस्ट आप देते हैं तो इसी पर्पज से दीजिए, ये सोच के दीजिए कि आज मेरा फाइनल एग्जाम है, उतने सीरियस होके उस डर से मतलब
उस तरह से आप करेंगे तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। और फिर एक क्वेश्चन था कि ये तो था मतलब मुझे प्रोत्साहन देने के लिए था कि दीदी इतना सारा मोटिवेशन कहाँ से। वैसे तो आप लोग बहुत सारे लोग मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं सबका मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और एक था कि इतना सारा मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं, बहुत हिम्मत मिलती है। तो मोटिवेशन देखिए इतना सारा मुझे लाने के लिए, कुछ बोलने के लिए ना कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती खोजने की। अगर आप भी इस तरह से गिर गिर के संभल के फिर खड़े होंगे ना, अपने से कोशिश करते रहेंगे ना, तो तरह तरह के आपको अनुभव होंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप किसी को कुछ सिखाने लायक हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि अपने से जो स्ट्रगल किया जाता है ना, संघर्ष अपने से जो हम करते हैं, तो ये सारे अनुभव होते रहते हैं। और हमें मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों की स्थिति क्या है, अभी आप लोग कितने परेशान हैं। तो बस यही है कि धैर्य से काम लेना है। और फिर मैं एक सजेशन दूंगी, अभी पढ़ाई करते समय दो चीज़ पे बिल्कुल फोकस मत करिए। कहते हैं ना दो नाव में सवार नहीं होना है, आप कहीं के नहीं रहेंगे, एक पे फोकस करिए। ठीक है सुपर टेट ऑटो वाला आपका जो भी मैटर था निकल गया, आपको टेंशन है बहुत ज़्यादा, अगर सामने TGT का आपने फॉर्म भरा है तो फिर आप एकदम उसी पे लग जाइए, इस पर फोकस करिए कि हाँ मुझे इसमें तो अच्छा है ना, एक ही सब्जेक्ट है आपका, अपने विषय पर ही आपको पकड़ बनानी है, जीरो है तब भी, तो एक पे एकदम फोकस करिए अच्छे से, तभी निकल पाएगा। और साथ में मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना कि शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं कि मैं ऐसे तैयारी करती हूँ, वैसे तैयारी करती हूँ। मेरा सजेशन ये है कि जब तक आपका नहीं हो जाता, किसी से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है। आप अगर सफल हो जाइए तो फिर करिए, और किसी चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं थोड़ा सा पैसा अर्न कर लूँ। अगर बहुत आपके घर की स्थिति खराब है तो ठीक है, आप एक जॉब परमानेंट पकड़ लीजिए, वहाँ पर आप काम करते रहिए, पढ़ाई करिए, लेकिन 10 जगह दिमाग बिल्कुल मत दौड़ाइए। क्योंकि मुझे पता है ना कि 10 जगह जब दिमाग हमारा बढ़ता है और हम पढ़ने के दौरान फिर सोचने लगते हैं ना अपना टाइम पास करने के लिए कि हम कमाने लगे, थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, थोड़े थोड़े में ही हम रह जाते हैं। तो इसीलिए बहुत अगर ज़रूरत है घर पे तो आप एक जॉब पकड़ लीजिए, लेकिन एकदम ईमानदारी से वहाँ पे काम करिए, घर आके पढ़ाई करिए। लेकिन ये नहीं कि मैं साथ में हंसी मजाक भी कर रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें दूसरों को, मत करिए ऐसा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, घाटा होगा। उससे अच्छा उतना टाइम जो आप दिमाग लगाएंगे कि ये करूँ वो करूँ, अपना टाइम जो टाइम है उसको फोकस करिए अपने पढ़ाई पे। और दो क्वेश्चन थे, पर्सनल क्वेश्चन थे, जैसे मेरी आँख की प्रॉब्लम थी जब मैं तैयारी करती थी, मैंने कई बार बताया कि मेरी आँख की जो पुतलियाँ थी वो सिकुड़ रही थी, तो डॉक्टर को मैं दिखाई थी तो कहाँ एक मैंने मेरी बहन ने कहा कि गोरखपुर में मैं रहती हूँ, आपने कहाँ दिखाया था, मुझे भी दिखाना है। तो मैं एक शंकर आई एंड मैटरनिटी सेंटर ऐसे करके है, शंकर आई हॉस्पिटल समझिए, आप कहीं भी पूछिए, जैसे कहीं भी क्या ये जो पैरलीगंज से अगर आप आती हैं तो आपके दाहिने हाथ पे पड़ेगा, ये हाईवे पे ही है, और अगर रुस्तमपुर से आप जाती हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। तो मैंने वहीं पे दिखाया था, पेट्रोल पंप है उसी के जस्ट सामने है, शंकर आई हॉस्पिटल ऐसे करके है, नेत्र ऐसे चिकित्सालय करके है, शंकर नाम है उसका, है ना। वो देखिए अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अभी कितना दिन हुआ लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम भूल रहा है। और एक चीज पथरी वाला भी आप लोग पूछ रहे थे, स्टोन जो था मुझे कि दीदी गॉल ब्लैडर में है, मुझे भी निकलवाना है, क्या क्या दिक्कत आती है। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती है, आप ऑपरेशन करवाइए। हाँ उसके हमेशा हमारे यहाँ तो खाना हमेशा ये तेल मसाला फैटी चीज़ें ये सब नहीं होती हैं, तो मुझे दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। इसी चीज़ का आपको परहेज करना है कि आपको जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, मसाले वसाले मना करते हैं डॉक्टर की, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप एकदम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि वही है कि जब गॉल ब्लैडर मतलब उसका निकाल देते हैं तो वही जो पित्त बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको फिर आँख में, उसमें मैंने देखा वीडियो कि उसको आँख में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो पित्त जो बनता है शायद, तो फिर ये तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं ज़्यादा। तो वही पाचन में थोड़ा सा जो ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ ये भी मैं बता दूँ, गॉल ब्लैडर पे जो स्टोन होता है, दवा वा के चक्कर में ना पड़ी, क्योंकि मैं पड़ी थी और मैंने बहुत ज़्यादा पैसा उस पर बर्बाद किया, लेकिन यही है कि वो निकल नहीं पाता है। तो अब मेरा जो था आखिर मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ा, तो इसीलिए ना शुरुआत में ही करा लीजिए। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इसका मात्र एक ही इलाज है कि ऑपरेशन, तो ठीक है आप लोगों को सब जवाब मिल गया होगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।